पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ट्यूशन खोरी का नाम थमने का नाम नहीं ले रहा है और जबरन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने को लेकर बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है और वह अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। स्कूल अध्यापक बच्चों के साथ ट्यूशन ना पढ़ाने को लेकर मारपीट और गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हैं और कहा जाता है कि तुम ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या स्कूल में पढ़ने के साथ ही बच्चों को स्कूल अध्यापक से ट्यूशन पढ़नी होगी? ये कोई इस पर मैनेजमेंट कार्रवाई करेगा। पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के बिलारी नगर के स्कूल SMS पब्लिक स्कूल का है। जी हाँ, इस स्कूल में आए दिन बच्चों के साथ ट्यूशन न पढ़ने को लेकर अध्यापक बच्चों के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं। बच्चे अपने घर से स्कूल पढ़ने जाते हैं तो बच्चे क्लास में बैठते हैं और क्लास टीचर आते हैं और बच्चों को टॉर्चर करते हैं कि तुम अगर ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। बच्चों ने इस बात को अपने माता पिता से कहा और दूसरे दिन बच्चों के माता पिता बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे और असाइनमेंट प्रिंसिपल के सामने अपने बच्चों की बात रखी और इसी बात को लेकर अध्यापक और प्रिंसिपल व माता पिता में नोकझोंक होने लगी और तरह तरह कहने लगे। ऐसा इस स्कूल में पहली बार नहीं हुआ है, स्कूल तो आए दिन इस बात को लेकर चर्चाओं में रहता है। शिक्षा विभाग अधिकारियों से इस विषय में पहली बार भी बात की गई तो लेकिन शिक्षक अधिकारी इस मामले में कोई भी समझा नहीं लिया और आज फिर ऐसा ही मामला आया है तो प्रिंसिपल ने बच्चों के माता पिता और अध्यापकों को समझाते हुए कहा कि ऐसी यदि कोई समस्या है तो आपकी इस दो दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अगर अध्यापक ने ऐसी गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यहाँ उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। नाम विशाल सिंह है, मैं श्री मनमोहन SMS बैजी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। क्या समस्या है? समस्या है कि दो टीचर हैं, कमल जोशी एंड टीचर, वो हमें ट्यूशन के लिए फॉलो करती हैं और हम पर मारपीट करते हैं और अब्यूजिंग करती हैं जिसके कारण हम सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं और हमें फॉलो करती हैं ट्यूशन के लिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमसे ट्यूशन पढ़ना वरना हम फेल कर देंगे तुम्हें। टेंथ क्लास की बात है। क्या नाम है टीचर? कमल जोशी एंड टीचर। कितने बच्चों को टॉर्चर करते हैं? हैं 7-8 बच्चे उन्हें टॉर्चर करते हैं। आज आपने क्या कराया इसकी बात? आज आप हमने उनकी कंप्लेंट करी तो टीचर्स कह रहे हैं आपको 2-3 दिन में परफॉर्मेंस मिल जाएगा। मैं मोहल्ले में रहता हूँ, क्लास 10 का स्टूडेंट। क्या समस्या है सर? ये धमकाते हैं बच्चों को, धमकाते हैं, कहते हैं कि फीस जमा करो पेपर कर दिया जाएगा आपका, फीस जमा नहीं होगा पेपर और स्कूल आओगे तो पिटोगे। ट्यूशन में और कुछ पढ़ाते हैं, क्लास में और कुछ पढ़ाते हैं। मतलब ट्यूशन लगाने को कहते हैं कि? हाँ सर, ट्यूशन लगाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हमसे पढ़ो, ट्यूशन नहीं तो फेल कर दूंगा। कौन कहता है? सर HD सर और जोशी सर। आपने क्या शिकायत की आपने स्कूल में? की थी सर, सर कह रहे थे मिल जाएगा 2-3 दिन में सॉल्यूशन करवा देंगे आपका। उनकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, बच्चे कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। इनकी शिकायत पर मैं परसों गया था इनके क्लास में और मैंने इनके बारे में पूछा कि कितने चैप्टर हो गए तो बच्चों ने बताया कि 6 चैप्टर हो गए। मैंने कहा 6 चैप्टर तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, चलो मैं सर से बात करूँगा कि थोड़ी स्पीड कम हो जाए और स्पीड कम होने से ज़्यादा सॉल्यूशन एक एक चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको करके दिखाएंगे और फिर आप उसको रिपीट करते रहना और हमें अक्टूबर तक सिलेबस पूरा करना है तो इतनी जल्दीबाजी भी नहीं है। तो बच्चों से कह के ये हमारे टीचर से भी ये बात बोली और फिर कल ये क्वेश्चन आया जब बच्चे मेरे पास नहीं आए और पेरेंट्स को बता रहे हैं बच्चे कि हमारे साथ टीचर ने टॉर्चर किया। यदि हमारे पास ये प्रॉब्लम कल ही आ जाती तो कल ही इसका सलूशन हो जाता। को लेकर कोई मामला चले जाएगा, ट्यूशन ना पढ़ो, पढ़ नहीं पढ़ाओगे फेल कर दिया जाओगे। अब ट्यूशन का तो केसेस अभी हमारी नज़र में तो ऐसा है नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि स्कूल के टीचर के पास ही बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे। ट्यूशन पढ़ने के तो बच्चे फ्री हैं, कहीं भी ट्यूशन पढ़ सकते हैं और ट्यूशन पढ़ना भी कोई ज़रूरी नहीं है। यदि उनको लग रहा है कि हम वीक हैं, हम कहीं ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो वो फ्री हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। टॉर्चर करने वाला क्या मामला है? अब ये मेरी नज़र में तो है नहीं, ऐसे मैंने परसों तक क्लास में भी गया था, कल भी मैं राउंड लिया। अब ये टॉर्चर के बारे में, यदि बच्चों को टॉर्चर किया गया तो बच्चे को मेरे पास आना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा कल नहीं आया। जैसे मैं उनसे बात करके देखूंगा कि क्या है, नहीं तो सॉल्यूशन तो करना है। सॉल्यूशन के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, टीचर हटाना पड़े, दूसरा रखना पड़े या वो अपनी आदत में सुधार लें, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा नाम मोहित गुप्ता है, मेरा बच्चा यश गुप्ता ये SMS बैजी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और इसको जो है ट्यूशन स्कूल में ना पढ़ने के कारण इसको टॉर्चर करा जा रहा है। इसके 4 दिन पहले मैंने कंप्लेंट की, इसकी पिटाई भी की गई थी टीचर्स ने और नोच-नोच के, लेकिन नोच को उसको काफ़ी टॉर्चर करा गया था लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा फिर इसको टॉर्चर किया गया, एक दिन टॉर्चर करने के बाद अगले दिन छुट्टी कर लेती है। मैंने ये कहता है ठीक है 15 दिन के बाद आप आइए तो हम इसका सलूशन निकालेंगे।
क्या आपने किससे शिकायत किया? पहले प्रिंसिपल साहब से की थी, अब प्रिंसिपल साहब ने की भाई इसे कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैनेजमेंट से कह रहे हैं, मैनेजमेंट कह रहा है 15 दिन के बाद आइए। जब 4 दिन में कोई केस आपने सॉल्व नहीं कर पाए तो 15 दिन में आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? पुरानी दुश्मनी का ये है, बच्चे की फीस को एक क्लास आगे बढ़वाना चाहता था, 1 साल की पूरी फीस चाह रहे थे, 1 साल की पूरी फीस दीजिए, उस चीज को मैंने इनसे कम्प्रोमाइज करना चाहा, इन्होंने नहीं करा, इन्होंने मेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई की।